यह खबर दिल्ली से सटे नोएडा से है। नोएडा में बॉटनिकल गार्डन के पास उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस आज अचानक से धू-धू कर जलने लगी। बस में जब आग लगी तो करीब 20 से 25 यात्री उसमें सवार थे। गनीमत यह रही कि कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। दो दमकल की गाड़ियों से बस की आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी और यह आग काफ़ी भयानक थी। बस में आग लगी, आग को रूपी यूपी रोडवेज की इस बस को आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन जो धुएं का खबार था वो काफ़ी डराने वाला था। काला धुआं काफ़ी ऊंचे तक आसमान में उठता हुआ दिखाई देने लगा और पास ही मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के पास ये बस स्टैंड है जहाँ पर यह आग लगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव की दबंगई पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। हाईवे के किनारे जबरन बनाए जा रहे एक अवैध होटल को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया गया। सत्ता के ईंट सीमेंट से खड़ी इस इमारत पर आज सख्ती के बुलडोजर ने आखिरी हमला बोल दिया। चंद मिनटों में इस पर शोटल का बचा खुचा हिस्सा भी मलबे में तब्दील हो गया। मशीनों ने जोर लगाया तो पूरा होटल देखते ही देखते जमीन दोज हो गया। जहां कभी समाजवादी विधायक के शान की इमारत खड़ी थी, आज वहां धूल का गुबार उड़ रहा था। इसमें काफी मशीनें प्रयोग की गई थी, जैसी मशीन्स थी, प्रोपेलर मशीन मंगवाई गई थी और ब्रेकर मंगवाए गए थे। तो अब वो चूंकि एक बड़ी बिल्डिंग थी उसका ध्वस्तीकरण किया गया था, तो अब वो कार्रवाई पूरी हुई। करीब 4-5 दिन से लगे अभी मलबा के डिस्पोजल किया जाना है। सीतापुर में हाईवे के किनारे इस होटल को बनाने में ठीक इसी तरह धूल की तरह कायदे कानूनों को भी हवा में उड़ा दिया गया था। समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव के रिश्तेदार का ये होटल बनता गया और नियमों पर अफसरों पुलिस वालों ने आंखें मूंद ली। प्रशासन ने अफरा तफरी में होटल को ढहा दिया, लेकिन बार और रेस्टोरेंट को गिराने में कई लोगों की जान पर बनाई। वहां खड़े लोग बाल बाल बच गए। वैसे सीतापुर के इस होटल के साथ लखनऊ में भी विधायक की गैरकानूनी इमारत पर सख्ती का हथौड़ा चल चुका है। चंद दिन पहले कार्रवाई में जब विधायक के समर्थक पिस्तौल लहराते अफसरों पर टूट पड़े तो सरकार को आंखें खोलनी पड़ी। विधायक के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया गया और आज धौंस का होटल भी नेस्तनाबूद हो गया। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। बिहार में दरभंगा के दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां चलाईं। चीनी मिल चालू करने, युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर ये लोग ज्ञापन देने जा रहे थे। मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने के आरोप में 4 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम के प्रमुख प्रणव पंड्या को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के सदस्य प्रणव पंड्या बनाए गए हैं, जो कि गायत्री परिवार के प्रमुख हैं और हरिद्वार में गायत्री परिवार का केंद्र है शांति कुंज। 7वीं सीट 6 पहले मनोनीत किए जा चुके हैं, प्रणव पंड्या 7वें हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है प्रणव पंड्या ने। गंगा सफाई अभियान में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। गायत्री परिवार भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने में, उसके प्रचार प्रसार में काम किया करता है।